आपको नान खटाई बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से और बहुत ज़बरदस्त नान खटाई बनती है। इसके लिए हमने लिया है बेसन, मैदा एक कप, एक कप आधा कप घी, अंडे की जर्दी, दो चमचे बेसन, एक चुटकी नमक और पिसी हुई शक्कर ली हाफ कप। अच्छा, जिस कप से आप मैदा लेंगे उसी कप से हम घी और ये बेकिंग पाउडर है एक चम्मच जो घर का हम यूज़ करते हैं, लेबल करके बेकिंग पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। और ये दो चमचे मैंने बेसन लिए हैं और कप में इतनी जगह छोड़ी है कि हमारा दो कप जब बेसन डालें तो एक कप पूरा हो जाए वो। मैंने मैदा लिया है ना, मैदे में इतनी जगह छोड़ दी कि दो कप बेसन जाए तो एक कप बन जाए वो। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक बाउल लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर मैं घी डालूंगी। अगर आप घी नहीं खाते तो आप ऑयल भी बना डाल सकते हैं, ऑयल में भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। हाफ कप ऑयल ले लेगा आप। और ये एक चुटकी नमक है ये मैं अपने मैदे में शामिल कर रही हूँ। ये पिसी हुई शक्कर लिए हाफ कप, जिस कप से आप मेजरमेंट करेंगे मैदा उसी कप से ऑयल या घी जो भी यूज़ करें उसके अंदर और शक्कर उसी से करेंगे। हम घी के अंदर शक्कर को मिक्स किया मैंने और एक बड़ा बाउल ले लेगा आप, उसमें जो मैदा बेसन और बेकिंग पाउडर लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेगा ताकि आप हर जगह उसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल हो जाए। अच्छा, घी और मैंने शक्कर को पहले मिक्स किया, बस मिक्स करेंगे अच्छा सा हम। और हम आधा बेसन वो डाल लिए मैदा में, इसको मिक्स करूँगी। ठीक है, इसमें ना पानी यूज़ करेंगे और ना ही दूध यूज़ करेंगे बिल्कुल भी। जो मैंने हाफ कप घी लिया है उसी में इसका बैटर तैयार हो जाएगा। अब सारा में मैदा डाल लेंगे उसके अंदर और इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें एक चुटकी नमक डाला है, एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, दो चम्मच बेसन लिया है, एक कप मैदा लिया है मैंने और हाफ कप ऑयल घी लिया है, हाफ कप शक्कर पीसी हुई ली है। ठीक है, घर में शक्कर लेके पीस ली। इसकी डो बन जाएगी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी, देखिए हम ऐसे मसल के देखेंगे। अब जैसे एक उसका जो बैटर है एक जान हो जाएगा, देखिए चेक करें ऐसा हो गया, आपका बैटर तैयार है। अब छोटी छोटी सी बॉल लेंगे इसकी हम और नानखटाई बना लेंगे, क्योंकि बेक होने के बाद भी ये फूलेंगे क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला इसके अंदर। हम इस तरह से हम छोटी छोटी सी इसकी नानखटाई बना लेंगे, छुरी की मदद से इसे कट लगाएंगे। अगर चाहे तो कट लगाएं, अब नहीं चाहे तो मत लगाएं। छः कर लें, चार कर लें, या इसके ऊपर एक बदाम लगा लें, या कुछ भी नहीं लगाएं, सिर्फ अंडे की सब्जी लगा लें। इस तरह मैं सारी अपनी नानखटाई तैयार कर लूँगी। अब नानखटाई रेडी है और मैंने ढक्कन को, घर का ढक्कन लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब मैं इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा रही हूँ, सिर्फ अंडे की जर्दी यूज़ करेंगे, इससे हमारा ऊपर का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा नानखटाई का। अब इसमें सब मैं अंडे की जर्दी लगा लूँगी और थोड़ा थोड़ा गैप करके रखेंगे, बेक होने के बाद नानखटाई फूलेंगी। मैंने अपना पतीला 20 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया, उसमें दो कप आम नमक नेशनल डाला है जो बार बार यूज़ करती हूँ बेकिंग करने के लिए। ठीक है, और एक स्टैंड रखा है और देखिए मैं अपनी नानखटाई बेक कर रही हूँ। ये देखिए सब रेडी हो गए और गैप ज़रूर रखिएगा, ये बेक होकर फूलती हैं। देखिए 20 मिनट पहले हमने अपना पतीला गरम किया था, उसमें नमक डाला था, एक स्टैंड डाला था और बिल्कुल धीमी आंच रहेगी ये 20 मिनट बाद अपनी आप नानखटाई चेक कर लीजिएगा। 20 से 25 मिनट लगते हैं नानखटाई तैयार होने में। 20 मिनट हो गए हैं और देखिए मेरी नानखटाई रेडी है और बहुत ही गर्म होगा ढक्कन भी हमारा, ये पतीला भी एहतियात से निकालें और इसको हम फिर निकालेंगे 20 मिनट बाद। देखिए मैंने निकाल ली है, मैं गर्म ही आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब भी कोई कुकीज़ बनाएं, केक बनाएं, जब ठंडी हो जाए बिल्कुल जब इसको निकालें। देखिए मैं निकाल ली, देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन लगी नहीं रहा हमने भगोने में बेक करी है। ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। एक दफ़ा आप घर में बना लेंगे यकीन करना बार बार घर में ही बनाएंगे, बाहर की नानखटाई को भूल जाएंगे आप। देखिए मैं गर्म निकाल ली हूँ, ढक्कन इस टाइम बहुत गर्म हो रहा है इसलिए मैं छुरी से निकाल ली हूँ। देखिए अब नानखटाई सारी रेडी हो गई, लेकिन ठंडी निकालेगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। मेरी ये कोशिश होती है कि कोई अच्छी सी आसान सी हो रेसिपी, लेकिन मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कि रेसिपी ऐसी हो जो घर में सामान अवेलेबल हो हमारा और सस्ती हो और ज़बरदस्त हो, मज़ेदार। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़।